हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही झटपट तरीके से एकदम सबको पसंद आने वाली चीज बनाएंगे, मैगी के। हम लोग आज पफ बनाएंगे, सूजी का डो बनाएंगे और उसमें मैगी को फिल करके बहुत ही बढ़िया से पफ की रेसिपी बनाएंगे। तो फिर बिना वीडियो लंबा किए चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आर्यन और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का वेलकम। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो दोस्तों आज की मजेदार सी रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 कप पानी डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं इसमें 2 पैकेट यहाँ पे मेरे पास मैगी नूडल्स हैं, नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वो मैं इसमें डाल देता हूँ। और अब इस मैगी में मैं डाल देता हूँ 1/2 चम्मच के करीब नमक और साथ ही में इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर। और बस अब साथ में इनमें मैं 2 पैकेट टेस्ट मेकर डाल देता हूँ इनका। और अब बस अच्छे से इसको हम लोग मिला लेते हैं। इसको हमें अब इसमें कुछ नहीं डालना, नॉर्मल जैसे हम लोग मैगी खाते हैं ना, मसाला मैगी, बस वैसे हम लोगों को इसको बना लेना है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप लोग थोड़े से मटर, थोड़े से प्याज या फिर अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी को डालकर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा क्योंकि आज हम लोग झटपट से स्नैक्स बना रहे हैं, तो इसलिए आज मैं इसको सिंपल ही कुक कर रहा हूँ। मैगी हमारी अच्छी कुक हो चुकी है तो फ्लेम ऑफ करके इसको हम लोग साइड में रख के ठंडा होने देते हैं। और बस अब एक परात में इधर मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे है मेरे पास 150 ग्राम सूजी, अच्छे से छनी हुई सूजी है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल देता हूँ मैं 50 ग्राम मैदा। आप लोग 50 ग्राम मैदा की जगह 50 ग्राम गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। 2 पैकेट मैगी के लिए टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 200 ग्राम आटे के लिए चीजें ली हैं, 150 ग्राम सूजी और 50 ग्राम मैदा। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और बस साथ ही में इसमें डाल देता हूँ 1/2 चम्मच नमक और साथ में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे खाने में ये अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। और साथ ही मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऑयल भी डाल देता हूँ। पहले तो मैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ऑयल को अच्छे से मिला लेता हूँ। ये देखिए अच्छे से सूजी, मैदा, नमक, चिली फ्लेक्स और ऑयल को मैं मिला लेता हूँ ऐसे। इन सबको मिलाने के बाद और कुछ नहीं, बस यहाँ पे 1 कप पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सेमी हार्ड डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं डो बिल्कुल हमारा रेडी है, सेमी सॉफ्ट डो लगकर तैयार हुआ है और पानी की हमें और जरूरत नहीं है। तो बस डो को भी हम लोग 2 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हमारी मैगी भी ठंडी हो जाएगी। और अब यहाँ पे है मेरे पास 3 चम्मच के करीब मैदा, इसमें हम लोग पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये हमें स्लरी बनानी है अपने पफ के एजिस को चिपकाने के लिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी स्लरी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लम्स फ्री है। तो इसको भी हम लोग साइड पे रख के अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं आगे का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपने डो को 2 पोर्शंस में अच्छे से डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखिए 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, 1 पोर्शन को साइड पे रख देते हैं। और अब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, अच्छे से ऑयल को हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इसको प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा गूंद कर बेलना स्टार्ट कर देते हैं। बेलन से एकदम पतला सा हम लोग इसको बेल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने
पतला सा बेल लिया है और अब इसमें से मैं चौरस पीसेस काट लेता हूँ। बिल्कुल ऐसे मैं इसके सभी चौरस पीसेस काट लूँगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे आप लोग भी काट लीजिए। और इसको चौरस काटने के बाद साइड वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग ऐसे निकाल के गूंद के थोड़ा सा अपने डो में रख देंगे। ये बाद में फिर से हमारे काम आएगा। और अब इस पे हम लोग फिर से थोड़ा सा बेलन चला के एक तो इसकी शेप मेंटेन कर लेते हैं, एक तो इसको हम लोग थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और अब हम लोग इस पे अपनी मैदा वाली स्लरी लगा देते हैं। चारों साइड्स पे लगा दीजिए। इसमें अब हम लोग मैगी रखेंगे। ऐसे इसको उठा के हम लोग ऐसे टाइड हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं। और अब यहाँ पे एक फोक है मेरे पास, इससे हम लोग इसकी चारों साइड्स को ऐसे बंद कर देते हैं। एक तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा और दूसरा इस पे सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आप लोग इसको बना लीजिए। साइड से अच्छा सील कर दीजिए और सभी को बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लीजिए। गाइज इसी तरह से मैंने अपने सभी पीसेस को बना लिया और इधर ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है तो इसमें मैं एक बार चार पीसेस डाल देता हूँ। ये देखिए और इन चारों पीसेस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूंगा। आपको इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। फुल फ्लेम पे ये ऊपर से पक जाते हैं और बीच में से कच्चे रह जाते हैं। तो अच्छे से 3 से 4 मिनट पलट पलट के इनको फ्राई कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये चारों पीस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको मैं निकाल लेता हूँ और सभी बैचेस को ऐसे ही फ्राई कर लेता हूँ। गाइज ये देखिए आज की हमारी मजेदार सी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। तो आज की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नई तड़कती फड़कती डिश के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।